Good morning, students. How are you? Are you fine? I hope you are also fine. Very good. And today is my English class. So which date is going on? आपको पता ही है ना? बोलिए दे बेटा. Today is 22 May 2021. And which day is going on? Today Saturday is going on. Very good. So today is my next class, Nature and Proportion. आप सभी के पास ये बुक है ना? Very good. And इसे हम EBS भी बोलते हैं, ठीक है? तो आज हम अभी तक हमने इसमें क्या-क्या पढ़ा? Our body, minds and organs, ना? और आज हम क्या पढ़ी? आज हम क्या पढ़ेंगे? My home. So my home means क्या होता है? अपना घर ना, हमारा घर, मेरा घर, कुछ भी बोलिए, ठीक है? माय होम. और हमारे घर में रूम्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े, कुछ के तो फिक्स जगह भी होती है ना, प्लेस होती है, जैसे किचन, बेडरूम, ठीक है, ड्राइंग रूम एंड बाथरूम, वॉशरूम, ये सब क्या होता है इनका नाम, जैसे हमारा, आपका नाम देव है, आपका नाम लक्ष्य है ना, तो इन सब का भी अपना अपना फिक्स नेम होता है, ठीक, और सबका अपना अपना वर्क होता है, ओके, सो सबका अपना प्रॉपर नेम होता है. और सबका, ऐसे किचन में क्या करते हैं, नहाते हैं, नहीं ना, किचन में हमारे खाना बनता है, नाश्ता बनता है ना, वी कुक फूड इन द किचन. और बेडरूम में हम क्या करते हैं, स्लीपिंग, ओके, वी स्लीप इन द बेडरूम. एंड ड्राइंग रूम में हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग रूम में हम लोग क्या करते हैं, बताइए बताइए, आपको पता होगा ना, ओके, जब गेस्ट आते हैं ना तो कहाँ बैठते हैं, ड्राइंग रूम में. और हम लोग बाथरूम में क्या करते हैं, बात करते हैं ना, नहाते हैं. और फ्रेश रूम में क्या करते हैं, हम लोग फ्रेश होते हैं ना. वेरी गुड. सो आज हम फिर पढ़ेंगे माई होम, ओके, सो लेट्स गो. माई होम, मेरा घर, लेसन 4 और पेज नंबर 12, ओके. वी ई डब्ल्यू ई V, ओके, A, double L, all, N, double E, D, need, H, O, U, S, E, house, 2, leave, in, L, I, V, E, leave, in, we all need a house to live in. मतलब हमें अपना हाउस अच्छा लगता है ना, लेकिन हमें, वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें रहने के लिए घर की जरूरत पड़ती है ना. अ हाउस, एच ओ यू एस ई हाउस, आई एन इन विच वी लिव इज कॉल्ड आर होम. अ Which we live is called our home. जिस मकान में हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, home. जो अपना घर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, home. और दूसरे के घर के लिए हम क्या use करते हैं, house. Okay बच्चों, our home protects us from hot sun, cold, winters, rains and strong winds, okay. Hot sun मतलब गर्म सूरज, cold winter सर्दी से, rains बारिश होती है ना, and strong winds और तेज हवाओं से, जो जैसे आंधी, ठीक है, जो हमारा घर होता है, जब हम घर के अंदर होते हैं तो हमको हॉट सन, कोल्ड विंटर्स, रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक, आंधी से हमें क्या मिलती है,
सुरक्षित रहते हैं ना. वी हैव मैनी रूम्स. और जो हमारा होम होता है, हाउस होता है, होम होता है, उसमें क्या होता है, ढेर सारे रूम्स होते हैं. इन आर हाउसेस वी डू डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट रूम. ओके, हम अलग अलग रूम में अलग अलग चीजें रखते हैं ना. लाइक वी बाथ इन द बाथरूम. हम कहाँ नहाते हैं, बाथरूम में नहाते हैं ना. हाँ, किचन में तो नहीं नहाएंगे ना, या बेडरूम में नहीं नहाएंगे ना. तो हम जहाँ नहाते हैं उसे क्या बोलते हैं, बाथरूम. वी टेक फूड इन द डाइनिंग रूम. हम कहाँ खाना खाते हैं, डाइनिंग रूम में खाते हैं ना. टेबल होती है और चेयर होते हैं ना, टेबल पे रख के और चेयर पे बैठकर. एंड वी स्टडी इन द स्टडी रूम. जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्टडी रूम. वी स्लीप इन द बेडरूम. हम जहाँ सोते हैं उसे क्या बोलते हैं, बेडरूम. आर मदर कुक्स फूड इन द किचन. हमारी मम्मी खाना कहाँ बनाती है, किचन में बनाती है ना. वी टॉक एंड मीट विथ आर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम. हम अपने मेहमानों से, जो हमारे घर में मेहमान आते हैं, वो ड्राइंग रूम में आते हैं, हम बैठते हैं ना, वहाँ पे हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं ना. और ड्राइंग रूम को एक एक नाम और है ड्राइंग रूम का, लिविंग रूम. ओके बच्चों, तो चलिए एक बार फिर से हम रीड करते हैं. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. अ हाउस इन विच वी लिव इज कॉल्ड अ होम. अ होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हॉट सन, कोल्ड विंटर्स, रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. वी हैव मैनी रूम्स इन आर हाउसेज. वी डू डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट रूम. वी बात, ठीक है, जैसे डिफरेंट थिंग और डिफरेंट रूम होते हैं ना, ये सारे रूम्स के नेम है ना. वी बात इन द बाथरूम. We take food in the dining room. We study in the study room. We sleep in the bedroom. Our mother cooks food in the kitchen. We talk and meet with our guest in the drawing room. Okay? तो स्टूडेंट, हमने आज क्या पढ़ा, माई होम. और आज हमने सिर्फ हाफ चैप्टर रीड किया है ना, सिर्फ हाफ चैप्टर. आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ये है, जो इसमें रूम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स हैं, बेडरूम, बाथरूम, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, किचन, ठीक है, एंड लिविंग या ड्राइंग रूम है ना, इसे आपको पिक्चर बनानी है और नेम को पेस्ट करना है. बस आपका इतना सा वर्क है, ठीक है. और बाकी जो जो चैप्टर आधा बचा है, ठीक, हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक. तब तक